हेलो फ्रेंड्स, पुड़ी सास किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम हेल्दी चॉकलेट फ्रूट केक बनाएंगे और ये बिना मैदे के, बिना चीनी के और बिना ऑयल या बटर के बनाने हैं बताएंगे। तो ये एकदम हेल्दी और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो इसके लिए हमें अभी हम इसमें फ्रेश ऑरेंज जूस डाल देंगे आधा कप और 3/4 कप जितना गुड़ का पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो गुड़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और अभी हम इसमें दो तरह की किशमिश और टूटी फ्रूटी ली है दो दो टेबलस्पून, वो डाल देंगे। आप अपनी मनपसंद के कोई भी इसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप इसमें डेट्स या कोई भी फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए हमें सोक करने के लिए रख देना है, ताकि ये एकदम अच्छे से फ्रूट्स अच्छे से भीग जाए इसमें और गुड़ का पाउडर भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इसको ढक्कन लगा के अच्छे से छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। और अभी हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेंगे। तो कढ़ाई के अंदर ऐसे प्लेट रख के उसको ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट के पहले प्री हीट कर लेना है। तो ये 1 घंटा हो गया है और इसमें अभी हम 1/4 कप जितना घी डाल देंगे। और ये हमने गाढ़ा दही लिया है, एकदम फ्रेश दही लेना है हमें और बिल्कुल खट्टा नहीं लेना है। ये हमने 1/4 कप जितना डाल दिया है, इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो तभी हम इसमें 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस डाल देंगे और उसको भी एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स एकदम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अभी हम इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और सारे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो ये हमने गेहूं का आटा लिया है 1 कप, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और एकदम अच्छे से इसको छान लेना है। छन्नी में एकदम अच्छे से इसको छान लेंगे, जो भी लम्स होगा वो निकल जाएंगे। तो ये एकदम अच्छे से हमने छान लिया है और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हल्के हाथ से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। काजू बादाम और हमने इसमें अखरोट लिए हैं। आप आपकी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे। तो ये हमने आधा कप जितने लिए हैं और एकदम बड़े बड़े इसको टुकड़े करके लिए हैं और इसमें बैटर गाढ़ा लग रहा है तो हमने 1/4 कप जितना मिल्क ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को हमें सोक नहीं करना है ऑरेंज जूस में, ये हम बाद में ही डालेंगे। तो इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमें थोड़ा और गाढ़ा लग रहा है तो 2 टेबलस्पून जितना मिल्क और डाल देंगे और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, जस्ट दूध और बैटर हमारा एकदम अच्छे से हो जाए उतना ही हमें मिक्स करना है। तो ये मिक्स हो गया है, तो ये देखिए। तो इसको हमें इतना ही ठीक रखना है, तभी हमारा केक अच्छे से फ्रूट केक बन के तैयार होगा। तो अभी टिन को भी हमने अच्छे से बटर पेपर लगा के ग्रीस करके रख दिया था, तो उसमें सारा बैटर हमें डाल देना है अच्छे से। बैटर अच्छे से डालने के बाद इसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल ना रह जाए। ये टैप कर लिया है और ऊपर से अभी हम इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे। तो अभी हम अखरोट, काजू और बादाम रख देंगे और ऊपर से थोड़ी टूटी फ्रूटी डाल देंगे और इसको कढ़ाई में हमें रख देना है प्रीटेट कढ़ाई में एक बार अच्छे से टैप करके, ताकि ऊपर के ड्राई फ्रूट भी अच्छे से सेट हो जाए। और कढ़ाई में हम इसको 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो पहले 2 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे रखना है और फिर इसको 40 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे अच्छे से बेक होने देना है। तो ये देखिए 40 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको चेक कर लेंगे। तो एकदम सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। तो ऊपर से चेक कर लेंगे नाइफ डाल के, तो एकदम अच्छे से कुक हो गया है, नाइफ एकदम क्लियर आई है। तो इसको हम ढक्कन लगा के इसको वापस कढ़ाई में ही 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो ये ठंडा होने के बाद देखिए हमारा केक एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो इसको अनमोल्ड कर देंगे, तो एकदम सॉफ्ट केक हमारा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, तो चॉपिंग बोर्ड पे ले लेंगे और इसको कट करके भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए साइड से भी एकदम जालीदार बन के तैयार हुआ है केक
और एकदम सॉफ्ट केक बनके तैयार होगा। आप भी जरूर से ट्राई करना, ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। तो अभी हम कट करके दिखाते हैं आपको केक। अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है केक, और ये केक बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस क्रिसमस पे ये केक जरूर से बना के ट्राई करना, या बच्चों की बर्थडे पे या बच्चों के टिफिन में देना हो तो आप ज़रूर से बना के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी केक है ये। ये देखिए अंदर से भी एकदम सॉफ्ट केक बना है, तो ये बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। आप ज़रूर से बना के ट्राई करना। तो अगर आपको मेरी ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू ऑल।